नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट काउंटिंग RSNR के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जब से टेली सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपना नया रिलीज टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के नाम से रिलीज़ किया है 9 नवंबर 2020 को, तो उससे पहले जो टेली यूज़र्स टेली .ERP9 सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे थे, चाहे वो अपने डेस्कटॉप पे, चाहे लैपटॉप पे, चाहे उनके सिस्टम की कैसी भी कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे वो विंडो XP हो, चाहे विंडो 7 हो, और विंडो 7 है तो चाहे वो 32 बिट्स हो, चाहे 64 बिट हो, या विंडो 10 हो, तो टेली .ERP9 सॉफ्टवेयर को रन करने में, उस पर वर्किंग करने में कोई परेशानी टेली यूज़र को नहीं हो रही थी। लेकिन जब से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है, तो उसके साथ साथ उन्होंने लैपटॉप या डेस्कटॉप PC जो भी यूज़ करें उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी उन्होंने फिक्स कर दिए, जो अगर आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर पे वर्किंग करना चाहते हो तो आपके सिस्टम की जो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है वो ये होनी चाहिए। अब वो क्या है कॉन्फ़िगरेशन, उस पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों, टेली कंपनी के अनुसार, टेली सॉफ्टवेयर कंपनी के अनुसार जो मिनिमम जो आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है वो ये रहना चाहिए कि आपका जो प्रोसेसर है वो 1.8 GHz का मिनिमम होना चाहिए और वो 64 बिट पे वर्किंग करना चाहिए, और उसके बाद आपका जो प्रोसेसर है वो मिनिमम Core 2 Duo या ड्यूल कोर होना चाहिए। उसके बाद अपर वर्जन चाहे कोई भी यूज़ कर रहे हो आप, i3, i5, i7, i8, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मिनिमम प्रोसेसर है वो ड्यूल कोर का होना ज़रूरी है। अगर इसकी बात करें रैम की, तो टेली सॉफ्टवेयर कंपनी के अकॉर्डिंग आपके सिस्टम में कम से कम 4 GB की रैम या इसे ज़्यादा की होनी ज़रूरी है। और हार्ड डिस्क के स्पेस की बात करें, तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए कम से कम 150 MB का स्पेस आपकी हार्ड डिस्क में होना ज़रूरी है। तो इस 150 MB में आपका जो डेटा का जो स्पेस रहेगा वो इंक्लूड नहीं है, यानी कि जैसे आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर अपना वर्किंग शुरू कर दी कंपनी क्रिएट करके, और उसमें जो डाटा का जो स्पेस रहेगा वो 150 MB में शामिल नहीं है, उसके लिए आपको अलग से स्पेस की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये है टेली सॉफ्टवेयर कंपनी के अकॉर्डिंग। और उसके बाद में आपका जो मॉनिटर का जो रेजुलेशन है वो कम से कम 1366x768 होना चाहिए। तो पहले जैसे 1024 वगैरह भी था, 1024x768 था, तो इसके लिए 1366x768 का रेजुलेशन आपको अपने सिस्टम पे सेट करना पड़ेगा। और उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट पे, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कम से कम विंडोज 7 होनी चाहिए, और विंडोज 7 में भी ये 64 बिट का एडिशन वर्किंग करेगा, तो ही आप अपने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को रन करवा सकते हो। और उसके बाद में अदर MS Office सॉफ्टवेयर, ये भी 64 एडिशन पे भी वर्क करना चाहिए। तो दोस्तों, जब हम टेली .ERP9 सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, तब MS Office का वर्जन 2007 में भी अपना आराम से वर्किंग कर रहे थे, लेकिन टेली प्राइम के लिए आपको MS Office का जो वर्जन है वो कम से कम 2010 रखना जरूरी है। 10 या 10 से ऊपर का जो भी है, 2013, 2016 या 2019, उसमें आप आराम से वर्किंग कर सकते हो, लेकिन जो मिनिमम है वो 2010 का वर्जन MS Office का होना आपके सिस्टम में कंपलसरी है। तो दोस्तों, अब ऐसे में होगा क्या भी, जो ऐसे टेली यूज़र जो विंडो XP को यूज़ कर रहे थे, तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर आने के बाद टेली सॉफ्टवेयर कंपनी ने उन यूज़र्स के जेब पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा भार बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, अगर आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हो और 32 बिट यूज़ कर रहे हो, तो भी ये जो टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर है ये आपके सिस्टम पे प्रॉपरली सही तरीके से वर्किंग करेगा। ये किस तरीके से करेगा ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से करके बताऊंगा। हाँ, अगर आपके सिस्टम पे विंडो कॉन्फ़िगरेशन थी वो XP की थी, तो आप अपने सिस्टम को अपडेट करवाना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने सिस्टम पे विंडो 7 को और 64 बिट या 32 बिट्स है उसे अपडेट करना पड़ेगा। और उसके बाद में जो रैम की कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आपके सिस्टम में प्रेजेंट टाइम में अगर 4 GB की रैम अवेलेबल नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉपरली 2 GB पे भी वर्किंग करेगा, जैसा कि 64 बिट और 4 GB की रैम पे वर्किंग करेगा। तो दोस्तों, ये सब कुछ मैंने प्रैक्टिकली रूप से करके इसको देख लिया है, ये 2 GB पे भी वर्क करेगा, और अगर आपके विंडो 7 में 32 बिट्स का एडिशन है तो भी ये प्रॉपरली सही तरीके से वर्किंग करेगा। तो दोस्तों, टेली प्राइम को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले आपको विंडो में क्या सेटिंग करनी पड़ेगी जिससे कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर आसानी से रन करना शुरू कर दे, तो ये सब कुछ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली रूप से करके बताऊँगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी ज़रूर क्लिक कर लें।
तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अगर पसंद आए तो ऐसे लाइक शेयर भी ज़रूर कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक प्रैक्टिकल और लाइव वीडियो के साथ।